So this question is from NetGRF June 2013. तो क्वेश्चन में आपको एफ फंक्शन दिया गया है विच इज अ डिफाइन फ्रॉम आर एन टू आर, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए एन एक्स एन. यहां जो ए दिया हुआ है विच इज ए वन ए टू ए एन, इट इज अ नॉन जीरो, यानी कि एटलीस्ट एक ए आई नॉन जीरो है. और डी एफ वे डिनोट दी, डी एफ जीरो डिनोट्स दी डेरिवेटिव. तो डी एफ जीरो जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एफ है. तो यहां से डी एफ जीरो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन तो विच इज ए वन, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू एंड ये ए एन आ जाएगा, ठीक है. तो एक बेसिकली ग्रेडियंट वैक्टर है ये. अब आपको पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि डी एफ जीरो इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी फंक्शन का अगर वो फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उसका यहां जो डेरिवेटिव आता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को. तो पहला ऑप्शन ये ट्रू है, पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है तो इट इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सेकेंड ऑप्शन वो कह रहा है कि डी एफ जीरो एट ए, डी एफ जीरो एट ए का मीनिंग क्या होता है, इस वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो ए वन ए टू ए एन डॉट प्रोडक्ट विद ए वन ए टू ए एन विच इज इक्वल टू समीशन ए आई स्क्वायर दैट इज द नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो यही दिया हुआ है. थर्ड ऑप्शन में वो कह रहा है कि डी एफ जीरो एट ए जो है वो जीरो होगा, वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो नॉन जीरो, तो उसका नॉर्म जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा. और डी ऑप्शन वो कह रहा है कि डी एफ जीरो डॉट बी, तो इस वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, वहां बी जो है वो बी वन बी टू बी एन है, तो ये क्या आ जाएगा ए वन ए टू ए एन डॉट प्रोडक्ट विद बी वन बी टू बी एन, तो ये आ जाएगा आपके पास समीशन ऑफ ए आई बी आई, और वही डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है. तो डी ऑप्शन ऑल्सो ट्रू, बी ऑप्शन ट्रू, तो फाइनल आंसर शुड बी ए बी एंड डी आंसर, ठीक है. तो इस सेगमेंट में सिर्फ नोटेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है.